नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे डीसीओ की जो है ट्रांसफ़र हुई थी, उसी के चलते मैं आपको बता दूं, विकास शर्मा जो है नए डीसी डोडा आए हुए हैं और कल ही उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है डोडा ऑफिस में और आज जो है उन्होंने मार्केट का दौरा किया और उन सब लोगों के साथ मिले, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो मजदूर हों। बहुत अच्छा लगा उन सब लोगों के बीच में वो गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि आखिर किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह का माहौल जो है डोडा के अंदर देखने को मिल रहा है। जब हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश भी की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कम से कम जिस तरह की हालत कंजस्टेड एरिया है म्यूनसिपलिटी का एरिया, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और साथ में इस जो भी बस स्टैंड पे जाम वगैरह लगता है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। आगे सुनिए किस तरह से डीसी डोडा ने क्या कहा। सर, जो आज मार्केट का दौरा किया और आप पहली बार डोडा में भी आए और दूसरे दिन ही आपने पूरे मार्केट का दौरा किया। मेरी कोशिश थी कि पहले दिन ही दौरा कर लेते, तो आज सुबह निकलते वक्त मैंने कहा एक पैदल यहाँ पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्योंकि अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद ज़्यादा पता चलता है। फिर लोगों से बातचीत करके रास्ते में चलते रहे तो मैं काफ़ी लोग मिलते रहे, उससे फीडबैक से क्या हो जाता है, अब तो एक पता चल जाता है कि चीज़ें किस तरह हैं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, डेवलप जगहों पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये दूर दराज इलाका है तो यही कोशिश रहेगी कि जितना फील्ड विजिट हो सके, जितने लोगों की मुश्किलें समझ आए। काफ़ी ज़्यादा परेशानी और साथ में इंक्रोचमेंट भी बहुत है। आज मैंने देखी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कंजेशंस हैं, हमारे बाज़ार में कंजेशंस हैं, बस स्टैंड में कंजेशंस हैं, और उसको देखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मेजर्स लेंगे, क्योंकि गाड़ियां जिस तादाद से बढ़ रही हैं उस तादाद से ज़मीन तो उतनी ही है ना, और लोगों की कंसंट्रेशन भी सिटी एरिया में ज़्यादा है। ऐसा है नहीं कि गाड़ियां बढ़ रही हैं तो लोग यहां से माइग्रेट, उल्टा यहां पे माइग्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये चैलेंजिंग चीज़ें रहेंगी, तो उनको इम्प्रूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वापस आ रहा है तो किस तरह एडमिशन तैयार है सब चीज़ों के लिए? कोविड में ऐसा है कि जब शुरू में कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों का माइंडसेट एकदम इम्प्रूव हो गया था, खौफ था, भय था। जब तक चीज़ें खुद से नहीं हों, जहन से नहीं आए, तब तक इम्प्रूव नहीं होती। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, अब भी जहाँ सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मैंने कल मीटिंग ली थी उसमें इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि लोगों को अवेयर फिर से किया जाए, क्योंकि लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं इस समय। हम भी यहाँ भी मैंने बाज़ार में देखा, बड़े कम लोग मास्क पहन के लग रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट और अपील सभी से यही होगी कि फिर से आप उसी मोड में आइए, रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। इस मास्क पहनने में, सोशल डिस्टेंस में कुछ बड़ा नहीं लगता, लेकिन एक जान चली जाए तो उसमें तो बड़ी किल्लत आती है। तो मेरा अपने ऑफिसर्स सभी को मैंने कल हिदायत दी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म रखें, मास्क पहन के घूमें, सभी मास्क इस समय मार्केट में मास्क से ही चल रहे हैं, और जो जो नहीं चल रहे हैं उनको भी मैं देख रहा था, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सभी नेक्स्ट टाइम जब भी हम चलें तो सभी लोग मास्क में चलें। आहिस्ता आहिस्ता हमें देख के लोग भी आएंगे और सभी मेंबर्स हैं हमारे, काउंसलर्स हैं, हम भी अपने लोगों को एजुकेट करें, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, जितनी एहतियात हम बरत सके उतना अच्छा है, सो दैट हमें कोई ऐसी चीज़ ना आए। लकीली डोडा में इस तरह के कोई ट्रेंड्स अभी नहीं है, एक आध केस पिछले दिनों में आया है, लेकिन 7 से ज़्यादा केसेस हमारे पास नहीं है इस समय एक्टिव, और वो भी इस समय कोई सीरियस नहीं है, वो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर वाले से भी यही दुआ है कि हमारा एरिया शांत रहे, ठीक रहे, सब सेहतियाब रहें, और हम अपनी लगन, मेहनत और सभी आप सबका सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ाएं, इसको और आगे ले रहे हैं। सर, आपने कहा पर्सनल एक्सपीरियंस किया मैंने और साथ में ये जो दिखते हैं, क्या आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हल हो जाएंगे? अब ये चीज़ें कह नहीं सकते कि एकदम हर चीज़ हो जाती है, हम अपनी रफ्तार से, पूरी रफ्तार से चलेंगे, जो जो चीज़ सामने आती जाएगी उसको कोशिश करेंगे ठीक इम्प्रूव हो जाए। तो आप किसी वक्त भी बुलाइए, हम आपके छोटे मोटे जो इशूज हैं विच यू कैन एड्रेस, नॉट ऑल इशूज बट समान इशूज, जो लोकल इशूज हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम भी आपको पता है, सोल्यूशन भी आपको पता है, कहाँ हमारे काम है, वी गोइंग टू टॉक अबाउट योर मेडिकल सर, बट सर बात नेवर इंटरफेयर टू कॉल और एनी इशू, ये अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी वो गए हैं और यू आर लोकल, यू आर फॉर ट्राइल, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, वी कैन कम टू यू एनी टाइम, तो जो भी सामान इशूज हैं विच यू कैन बैटर, आप उनसे हमारे साथ बात करेंगे, हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारा हक इतना ही बनता है डिस्ट्रिक्ट आपके पास जाने का।
सेंटर में पहुँच नहीं सकते, जम्मू में पहुँच नहीं सकते, छोटे मोटे जो भी इश्यूज हैं कभी भी कॉल करिए, स्टार्ट दिए करते नहीं, ऐसा लगता नहीं है सर। जनाब ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इनको भी परेशानी है, इनको भी ज्यादा जनाब मिलनी चाहिए, कहीं उनके लिए भी कोई होना चाहिए, ज्यादा नहीं।